जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। हम आज बात करने वाले हैं कि कुछ घंटों में भाग्य बदले। कई बार ये प्रश्न मुझे पूछा जाता है कि हमारा जल्द से जल्द भाग्य कैसे बदल जाए, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में और कुछ समय में बदल जाए। तो देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाग्य बदलना कुछ घंटों में ये संभव नहीं है, क्योंकि भाग्य बदलना एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। प्रोसेस का मेरा कहने का मतलब है कि जो हम बोएंगे, जैसा हम व्यवहार करेंगे, जो हम चीज़ें बोएंगे वही तो काटेंगे। अब आपने बोया बबूल का पेड़ है और आप कहते हैं कि इस पर फल आए, ये नहीं हो सकता। तो ये भूमिका हमें क्लियर करना होगी कि हमारे जो गलतियाँ की है, सबसे पहले उसे स्वीकार करना सीखे कि हमसे ये गलतियाँ हुई है, हमें इसको ठीक, अब हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते, उसे स्वीकार कर ले, उस चीज़ का खुद में ये बात को इंगित कर ले कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात हो गई कि कई बार और बहुत ज़्यादा बार ये भाग्य के चक्कर में उन लोगों के चुंगल में आप फंस जाते हैं। बहुत से लोग बलि, बहुत से लोग तरह तरह की क्रियाएं बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, उन क्रियाओं से कुछ होने वाला नहीं है, केवल एक, अगर कुछ हुआ है किसी के साथ तो केवल वह संयोग है कि वो तो होना ही था, वो चीज़ तो आपके साथ होना ही था, वो केवल संयोग है। तो उन सभी चीज़ों में आप ना फंसे। आपसे एक छोटा सा और मानवतापूर्वक एक बहुत ही निवेदन है, मेरा छोटा सा निवेदन है। तीसरी बात है कि भाग्य बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब आप जो मेन पॉइंट है कि घंटों में भाग्य बदलने के लिए क्या करना चाहिए, घंटों में क्या करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भाग्य जो होता है वो खुद उसकी मेहनत पर आधारित होता है, वो जो मेहनत करेगा वही चीज़ें पाएगा, अतिरिक्त या जो भी चीज़ें वो नहीं पाएगा। आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, आपके पास कर्म की स्वतंत्रता है और आप अच्छा कर्म करें, सकारात्मक कर्म करें। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, सकारात्मक कर्म करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ होता है, हम तुलना करने में उलझ जाते हैं कि इसके पास इतना, ये यहाँ पहुँच गया, हम तो यहीं हैं, अभी तो हम शून्य पे, वो 100 पे पहुँच गया। तुलनाएँ सब खत्म कर दीजिए, आप सीधे रास्ते से चलिएगा, आपकी मंजिल आपको सामने दिखाई दे रही है, आप मंजिल तक पहुँचेंगे। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको उलझाने वाली है, ये चीज़ें आपको आपके लक्ष्य से भटकाने वाली है। तो ये मेन चीज़ें याद रखें। अब पांचवी बात भी कह देता हूँ कि भाग्य बदलने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण है, वो आलस्य। हर एक व्यक्ति के भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य, आप आलस्य को त्याग दें। छठवीं बात है जो भाग्य बदलने के सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो है आपके पास सूचनाओं का होना, ज्ञान का होना, किसी भी चीज़ के लिए सूचनाओं का होना, ज्ञान का होना। अगर आपके पास ज्ञान है, सूचना है, तो आपका भाग्य बदल जाएगा और उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सोचना समझना, और सोचना समझने के साथ साथ आप उसमें अपने नज़रिए से देखें, अपने सकारात्मक नज़रिए से देखें। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों भाग्य बदलने के लिए। ये प्रोसेस कुछ घंटों की नहीं है, कई सालों की हो सकती, कई महीनों की हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम जो है आपको वो बहुत सकारात्मक दिखाई देंगे। पांचवी, छठवीं बात, ईश्वर का हमेशा जप करते रहें, वो सबसे बड़ा हथियार है भाग्य बदलने के लिए। सातवीं बात, हमेशा पॉजिटिव रहें। इन बातों को यदि आप फॉलो करेंगे आपका भाग्य जरूर बदलेगा। हताश निराश कभी ना हो, ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा यकीन रखें, अपने माता पिता की सेवा करें, और क्योंकि माता पिता की सेवा भी एक बहुत बड़ा काम है इस दुनिया में लिए, जो मिला उसे याद रखें, हमेशा संतोष में यकीन रखें, मेहनत हमेशा करते रहें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स पर अपनी अच्छी राय लिखते रहें, कमेंट्स करते रहें। जय श्री महाकाल।